नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ धर्मनगरी बिजनौर में अपने घर पे हूँ। रात को बारिश हुई है और थोड़ा आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊं। ये हमारा घर है, लगभग 101 साल पुराना है ये। दूध दही से मक्खन निकाल रहे हैं। ये मथनी है, इसको रई भी बोलते हैं। पहले दूध को पकाते हैं अच्छे से, उपले की आंच जला के। एक जगह होती है, एक बना हुआ होती है चिमनी, उसको हारा भी बोलते हैं, बरोसी भी बोलते हैं। उसके अंदर उपले धीरे धीरे सुलगते रहते हैं और हांडी में दूध, पानी, हांडी। नीचे क्या है ये? नीचे इसका स्टैंड है एक तरह से, जिससे कि वो ना, देखो ये मक्खन आने वाला है, दिखाई दे रहा है। रोक के दिखाओ, रोक के, कि ये जो है इसमें मक्खन ऊपर आने लगा है। ये मक्खन आ गया, जिसको कि नोनी घी बोलते हैं या देसी मक्खन बोलते हैं। और दूध को पहले पका लेते हैं अच्छे से हरे में, दूध उपले जला के पूरा दिन पकता है। फिर शाम को इसमें दही जमा देते हैं। हाँ, ये भी बात बताना चाहती थी कि दूध में काफ़ी ज़्यादा पानी डाल के फिर रखते हैं पकने के लिए, जिससे कि पानी जल जाए, कड़ जाए। मक्खन ऊपर आ गया, वो निकाल देंगे। हाँ, फिर और करेंगे? नहीं, फिर नहीं करेंगे, फिर तो वो बटर मिल्क बच जाएगा, मट्ठा। अच्छा। जो कि सेहत के लिए भी बहुत तो अच्छा है। इससे पहले अभी क्या डाला है? पहले गर्म पानी डाल देते हैं, जिससे कि मक्खन इकट्ठा हो जाए। थोड़ा सा ये वेदर के हिसाब से करना पड़ता है। अगर ठंडा दूध है, आप दही ठंडा है, तो थोड़ा सा गर्म पानी डालते हैं। अगर आपका दही गर्म है, तो बर्फ़ या ठंडा पानी डाल देते हैं और ऐसे लगातार चलाते रहते हैं, तो फिर ये ऊपर आ जाता है। तो यही है कि, और इससे एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो है पहली औरतों को काम करने की, पहले महिलाएं काम करती थी, उससे सिल पे मसाला पीसती थी, चक्की चलाती थी दाल दलने के लिए, बेसन पीसने के लिए, और तमाम चीज़ें घर के काम औरतें पहले एक्सरसाइज काफ़ी करती थी। अब तो ये लोग जिम में जाते हैं, पर पुरानी औरतों के तो यही जिम थे। तो देसी तरीका है ये, ट्रेडिशनल तरीका, दही से मट्ठा अलग करने का और मक्खन अलग करने का। ये पहली वीडियो में आपने देखा कि हमने मक्खन निकाला और ये इंडिया में से बाहर निकाल रहे हैं। विधायक जी जनता की सेवा कर रही है मक्खन निकाल के। जनता की सेवा
क्या बन रहा है शेफ मंकुश? आखिरी पास्ता नहीं सिनेमन और ये हमारे देसी चिली फ्लेक्स। आज के मेन्यू में है पास्ता और ये टोफू के सैंडविच, गार्लिक ब्रेड बनेगी, ये गार्लिक बटर है हमारा, आपको दिखा दिया मैंने, एंड आर सूप आ गया, सूप भी बनेगा, इतना लंबा एक्सटेंशन मेन्यू है हमारा। सूप बना रहे हो? हाँ, आज डे 4 है लॉकडाउन का और मैं तानिया सुनने के बाद कुछ टॉर्चर बना रहा है हमारे लिए। मयंक, क्या रेसिपी है आपकी, क्या बना रहे हो? मयंक नाम बताओ अपनी डिश का, क्या इसमें स्पेशल है? तो इसमें इन्होंने आलू उबाले हैं, उनको काट छील के काट लिया है, फिर इसमें ये नींबू डाले इन्होंने, नमक मसाले डाले इन्होंने अपने। ये हमारे पर्सनल माली हैं, ये इनका रोज का शाम का ड्यूटी लगा है कि ऐसे इधर पानी देने का है। कितना अच्छे से देख रहे हैं आप, ये काम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इनको परमानेंट कर दें। कोई टेक्निक है आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपना कि कैसे इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं आप? दूर रहे और ये कोई फिश पॉन्ड है, कोई एक जापानीज फिश होती है, इसको भी टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें पानी लीक ना करे। और थोड़ा आगे देखोगे आप तो सामने ये ट्री हाउस दिख रहा है, ये लगभग 1.5 साल पहले बनाया है। और लेफ्ट में आप देख रहे हो दो समाधि हैं, ये मेरे दादा और दादी की समाधि है, और ये सामने ये मेरे दादा की, जो सबसे बड़े भाई थे, बड़े दादा बोलते थे धर्मवीरा जी, उनकी समाधि है। अगले कुछ दिनों मैं यहाँ की ही वीडियोस आपको पोस्ट करती रहूँगी और शेयर करती रहूँगी क्या कर रहे हैं हम लोग। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।